सब्सक्राइब करिए फिटनेस वाले चैनल को न्यूट्रिशन एंड फिटनेस टिप्स के लिए, एंड इस बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अरे दादा, और बिडू कैसा है? इंसान है तो मित्र, ये आप क्या कर रहे हैं? ये सेब में मेरे लिए लाया था। ए बिडू, मुझे मोटा होना है इसलिए मैं इसे खा रहा था। ये तुच्छ विचार आपके दिमाग में आया कहाँ से? बिडू मैं क्या करूँ, मुझे मोटा होना है। मित्र ये सेब छोड़िए और ये वीडियो पकड़िए। अच्छा, ये आपको समझाएगा कि आपको करना क्या है। नॉर्मली गाइस, जब भी आप जिम में जाते हो या तो आपको गोल होता है मसल बिल्डिंग या गोल होता है आपका फैट लॉस, लेकिन मैक्सिमम लोगों को पता नहीं होता कि आपको मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के टाइम पे क्या खाना चाहिए। फूड्स के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूंगा आपकी बॉडी को क्या जरूरत होती है। आपकी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत होती है सबसे ज्यादा, चाहे वो मसल बिल्डिंग हो या फिर फैट लॉस। सो गाइस, हम ऐसे टॉप 5 फूड्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी हेल्प करेंगे मसल बिल्डिंग के लिए। सो गाइस, फर्स्ट में लेना चाहूंगा लीन प्रोटीन। लीन प्रोटीन क्या होता है? कुछ ऐसा फूड जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन हो, उसके अंदर मैं फर्स्ट फूड ऐड करूंगा चिकन ब्रेस्ट और सेकंड फूड में ऐड करूंगा एग वाइट। दोनों के अंदर ही लीन प्रोटीन होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन है तो आप नॉन वेज नहीं खा सकते। तो अपने डाइट में इंक्लूड करिए ब्राउन राइस एंड ओटमील, जो कि अच्छा सोर्स है कॉर्नफ्लेक्स कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन का, जो कि आपको होल डे एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेकंड, आप ऐड कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट लाइक लो फैट मिल्क, पनीर, जो कि अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, साथ ही साथ आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एंड थर्ड, आप ऐड कर सकते हैं बीन्स लाइक राजमा, सोयाबीन्स एंड सीरियल्स, जो कि आपका प्रोटीन अच्छा सोर्स होता है, साथ ही साथ आपको हेल्प करेगा मसल बिल्डिंग के लिए। सो गाइस, अब तक हमने बात की मसल बिल्डिंग के लिए, अब हम बात करते हैं ऐसे फूड्स के बारे में जो कि आपका हेल्प करेंगे फैट लॉस के लिए। सो गाइस, फैट लॉस के टाइम आपको ग्रीन टी ऐड करनी चाहिए अपनी डाइट के अंदर। यह आपको फैट बर्न करने में हेल्प करेगा, आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में हेल्प करेगा, जो कि हेल्प करेगी आपकी कैलोरीज बर्न करने के अंदर। सेकंड, हम बात करते हैं ऑरेंजेस के लिए, जो कि अच्छा सोर्स है विटामिन सी का। ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, साथ ही साथ आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाता है होल डे के लिए। गाइस, थर्ड फूड अपन बात करते हैं एप्पल की। एप्पल के अंदर लो कैलोरीज होती है और होता है हाई फाइबर। हाई फाइबर आपको पूरे दिन स्टमक को फुल करने में हेल्प करेगा, जो आपके फैट लॉस में हेल्प करेगा। फोर्थ एंड फिफ्थ बात करते हैं बेरीज एंड अनार के लिए। ये दोनों अच्छे सोर्स होते हैं हमारे लो कैलोरीज के लिए, यानी ये जो इनके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो कि आपके टॉक्सिक एलिमेंट्स को आपके स्टोमक से फ्लश करता है। सो गाइस, अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।